So hey folks, welcome to the channel Estimate Vlogs and I am your host Satyam Teri back in with the new video. So I hope कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जो कि थी भाई N250 वर्सेस RS 200 और काफ़ी बढ़िया बैटल रही थी वो भी। हालांकि वो वीडियो इतना अच्छे से शूट नहीं हो पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इशू था क्योंकि जो अपने साथ राइडर था वो भाई थोड़ा सा भी नया है इस चीज़ में एक्चुअली में ड्रैग रेस वगैरह में। तो मेरे को पता है अब आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोग को थोड़ा सा रिव्यू अलग होगा बट आपको मैंने जितना हो सकता था उतना अच्छा पोटेंशियल दिखाया बाइक का कि RS इतना अच्छा आपको टॉप एंड दे सकती थी वो मैंने दिखाया और जो N250 का था वो भी दिखाया। तो अगर आज की बात करते हैं तो आज अपने पास है N250 यानी कि बजाज पल्सर N250 और साथ ही साथ में यामाहा की R15M जो कि 150 का सीसी बाइक है और R15M को कौन नहीं आता यार, सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद है बाइक भाई, सबसे बढ़िया बाइक है 150 सीसी में माइलेज प्लस पावर दोनों चीज़ें आपको। और साथ ही साथ में N250 जो कि अभी न्यूली लॉन्च बाइक है और काफ़ी ज़्यादा उस पर मतलब कंटेंट्स आ रहे हैं, मैं सोचा क्यों ना इसके साथ भी कंपेरिजन लाए। तो बाइक्स की जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पर कॉर्नर डिस्प्ले में देखने को मिल रहा होगा। N250 की जो भी स्पेक्स हैं आपको लेफ्ट में देखने को मिल रही होंगी और R15 की जो स्पेक्स हैं आपको राइट में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में जो लखनऊ में इन दोनों बाइक्स का ऑन रोड प्राइस है वो आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा। सो होप डेट आप लोग को देखने को मिल गया होगा जो बाइक की स्पेक्स हैं साथ ही साथ में जो बाइक का प्राइस है। तो गाइज अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो और इतनी धूप में इतनी ज़्यादा कर रहे हैं मेहनत आपके लिए तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑन और आई बटन में मेरी लास्ट वीडियो आ रही है इसके साथ जो मैंने करी थी तो वो भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ में यार सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि थोड़ा सा आपके भाई को इससे मोटिवेशन मिल जाता है और आपका भी सपोर्ट हो जाता है तो अच्छा लगता है। मेक श्योर सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले हो रही है मेक श्योर फॉलो कर ले क्योंकि सारे सबको सबसे पहले मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है। सो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं वीडियो और आपसे डायरेक्ट मिलते हैं हम गोप्रो वाले व्यू पे। और साथ में आज अपने साथ हैं शुभम भाई, शुभम भाई के साथ हम करने वाले हैं ड्रैग रेस। हेलो भाई, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बहुत सारे लोग आते हैं नई वीडियो देख लेते हैं सर्च करके, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करो, आपके लिए आने वाली वीडियो हो सकता है हेल्पफुल हो और कुछ नया सीख सकते हैं। हाँ तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बाकी वीडियो तो पसंद आती है आप लोग को इतना तो पता ही है, बाकी भाई को सपोर्ट करो, सबको करो और हमेशा खुश रहो, मस्त रहो मस्त। चलो शुरू कर, बढ़िया एकदम मोटिवेशन चाहिए भाई। सो गाइस शुभम भाई राइड करेंगे पल्सर N250 एंड मैं राइड करने वाला हूँ R15M शुभम भाई की। सो चलिए बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रही है गर्मी और आप भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्योंकि आपकी भाई इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है गर्मी में। सो लेट्स गो। ओ भाई 250 का इनिशियल, आराम से लॉन्च करो तब भी N250 जो है बहुत बढ़िया भागती है। N250 में है पावर और इस साइड तो जो है विंड ब्लास्ट जो है हम लोग के साथ है, फेवर में है, मतलब सपोर्ट मिलेगा R15 को मेरे ख्याल से विंड ब्लास्ट में इस बार। बट कोई दिक्कत नहीं, अपन टॉप एंड में खा जाएंगे, 250 को अच्छे से खाएंगे भाई। लेकिन 5 गियर होने के बाद भी इसमें इतना बढ़िया पावर है, अगर 6 गियर होते तो क्या ही रिजल्ट होता है इसका, माशाल्लाह सुभान अल्लाह होता है एकदम भाई। 20 का 20 फुल पोटेंशियल निकालेंगे, फुल पोटेंशियल 133, 34, 35 बहुत प्यार से खींचेगी, बहुत प्यार से। तो बहुत ही बढ़िया भाई भाग रही है अभी तक ये और 137, 38, 39, 140, 141 तक है ये, 142 वो भाई पकड़ नहीं पाएगी क्या? थोड़ा सा स्ट्रीमिंग करके देखते हैं, 142, 141 वापस आ गई। लेकिन अभी इसमें लिमिटर नहीं आया है और R15 का कुछ ऐसा पता नहीं कि कहाँ पे है। मैंने टोटल टकिंग कर दिए, R15 में जो है वो पावर की कमी हो जाती है, इनिशियल में लॉन्च नहीं हो पाती है, लेकिन उसका जो पावर है वो टॉप एंड वाला बढ़िया है और ये भी थोड़ा सा भाग रही है, ठीक भाग रही है। बाय 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 बाय। R1 का कोई खबर नहीं है, कुछ अता पता नहीं है मुझे कहाँ पे है R1। अरे भाई बराबर से निकली एकदम। ओ भाई ओ भाई, विंड ब्रेक काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। इसका तो स्पीड कम हो गया जैसे कि यार, R1 आगे ही है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट की R1 जो है मैं भगाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ढंग से मेरे को दिखाई नहीं पड़ रही है भाई। R1 बहुत आगे है भाई इधर से, और ये इसके आगे इधर से जा ही नहीं रही। क्या हुआ ऐसा यार, इसमें अब गई है 140। यहाँ पे जो है विंडला बढ़िया है, यहाँ पे विंडलास का बढ़िया मिल रहा है इसको, और मैं सिर्फ स्ट्रीमिंग लगाता हूँ एक बार। ये सिर्फ स्ट्रीमिंग में आ गई आगे 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 आगे। भाई पीछे आ रही है स्लिप स्ट्रीमिंग, लग रहा है होने वाली है। बहुत कराटेदार रेस है भाई, बहुत ही कराटेदार रेस है भाई, बहुत कराटेदार, बहुत कर रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद ही लड़के को हरा दिया मैंने। ओ भाई आ गई आ गई आ गई। ओ भाई ये तो आ गई। भाई मेरी गर्दन का बन गया भरता भाई 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 भाई, कुछ सोच नहीं सकता। मतलब भाई 250 और कहाँ 155 लगा। ये जीतेगी लेकिन फिर ये जीत गई। क्या ही भाई अप डाउन चल रहा था भाई। बीच में क्या है ना कि जो विंडलास हवा होती है ना, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पर कम है ज्यादा थी, वहाँ पे रुक जा रही थी मैं देख रहा हूँ। और जहाँ पर भाई जहाँ पर ये R15 कट कर रही थी वो बहुत ज्यादा कट कर रही थी, और जैसे R15 के पीछे सिर्फ स्ट्रीमिंग किया ना भाई, जो भाई मैंने देखा मिरर, मैंने इसीलिए सही किया था, मैं देख रहा था। तो फर्स्ट राउंड में आपने भाई देखा कि R15 और दोनों में काफ़ी धमाकेदार टक्कर रही है, और अगर आपको टक्कर देखने में मज़ा आ रही है वीडियो को कर दीजिए लाइक, और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये भाई बैटल। चलिए अब राइडर स्विच करते हैं और देखते हैं सेकंड राउंड में क्या होने वाले हैं रिजल्ट्स। हाँ, सो अभी हमने राइडर स्विच कर लिए हैं और अब देखते हैं क्या होने वाले रिजल्ट। शुभम भाई राइड करेंगे R15 एंड मैं राइड करूँगा भाई पल्सर N250। शायद से मैंने थोड़ा सा पहले लॉन्च कर दिया। बढ़िया लॉन्च था उनका, मेरे में ये लो गेयर फंस गया, माँ चुप गई इसकी। अब मजाक नहीं करेंगे हम, क्योंकि R15 है शुभम भाई के पास और वेट का भी फायदा मिलेगा शुभम भाई को। भाई गेयर फंस गया तो सारे गेयर, कुछ शिफ्टर में गेयर ही फंस जाते हैं, पता नहीं क्या ही बाइक है यार, मूड खराब हो गया पूरा। अब नहीं निकल पाऊंगा मैं उससे आगे भाई, कोई भी कीमत पे नहीं निकल सकता मैं, कोई भी कीमत पे। तो अगर हम मजाक करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये हमने डाल दिया 5 गेयर, काश इसमें 6 गेयर भी होता। R15 हार जाएगी, बहुत बुरा हारेगी इस बार। गेयर फंस गए थे भाई, बहुत दूर निकल गई है वो। अब R15 तो नहीं जीत सकती उससे मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं, बाइक भगाते जा रहे हैं। वो बहुत दूर निकल गई है, बहुत ही दूर है वो, बहुत दूर भाई। जा पाती है, ये कितना नहीं जा पाती है। अभी तो फिलहाल वो बहुत दूर है मेरे से, बहुत ही दूर है भाई। मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएगी। बहुत गैप मेंटेन हो गया है R15 का FN 250 से। लिमिटर नहीं आ रहा है, लेकिन स्पीड अपने आप कम हो रही है। बाकी कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। देर ना फंसते तो शायद कुछ चांस था। ये मेरे को लग रहा है शायद से कोई साइलेंट लिमिटर है। वो बात क्या एयर पंप था, खतरनाक। देखते हैं कि फिर से बहुत दूर है भाई, देखो बहुत दूर और बहुत तेज। बहुत दूर और बहुत तेज है वो। 148, 149, 150, 150, you can do it। बोलने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। अब उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पे। यहाँ पे आ जाती है गुस्सा R15 को लेकर। देखो धीरे धीरे स्पीड कम होती चली गई जैसा जैसा उसके करीब आता गया मैं। बहुत दूर हो गया था भाई, बहुत दूर। हाँ R15 मेरे को दिख नहीं रही है और मैं देखना भी चाह रहा हूँ पीछे, वरना मैं हार सकता हूँ। पीछे देखते हैं क्या सीन है। ओ भाई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो गया था। गाड़ी रुक गई तो बहुत हो गया। हाँ हाँ होता ही, लेकिन यहाँ पे पावरफुल बाइक है ये तो मैं कहूँगा। ये तो है भाई। सो गाइज अभी आपने देखा सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो कि रहा है N250 भाई बहुत तगड़े से निकल गई थी और R15 आ भी नहीं पाई। उसका आने का रीज़न ये नहीं था क्योंकि यार शुभम भाई रीज़न क्या था यार, आ क्यों नहीं पाए थे भाई? आ क्यों नहीं पाए थे? अरे क्विक शिफ्टर लगाया, गेयर फंस गया। अच्छा, तो भाई यार वो एक्चुअली में R15M की सर्विसिंग हुई नहीं है तो क्विक शिफ्टर लगाते एक्चुअली में गेयर फंस गया था, तो इस वजह से भाई थोड़ा सा कोप नहीं कर पाया, वरना भाई फिर से सेकंड राउंड में बड़ा धमाकेदार रिजल्ट आने वाला होता है, मज़ा आ जाती है आपको। सो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लास्ट जो मेरा एक्चुअली कैमरा ऑफ था, मैंने इससे पहले एक शूट करी थी वीडियो, तो वो वाली मेरे से शूट नहीं हुई थी, शुभम भाई के कैमरे में शूट हुई थी। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। सो चलिए आपके सामने रिजल्ट्स थे सामने और आपको काफ़ी धमाकेदार बैटल मैंने दिखाई, आपको आया होगा मज़ा। और अगर आपको आया है मज़ा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चलो कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑन, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे अपने भाई को फॉलो कर लिए, सारे अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आईडी फ्लैश हो रही है। एंड अनदर थिंग इज भाई कमेंट डाउन जरूर करके बताइए वीडियो कैसी लगी, धमाकेदार थी या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी आपको। सो चलिए इसी तरह की नई वीडियो में किसी मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड राइट सेफ, फटाफट टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।